हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप लोग देख रहे हैं वास्कानंद जोशी ब्लॉग। तो दोस्तों देखिए, मेरे पीछे कितने सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो चैनल देख रहे हैं, और बहुत ही आनंद भी आ रहा है क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आते हैं। तो मैंने कहा अपना गार्डन भी दिखाता हूँ, और देखिए अभी इस ओर भी देखिए गुलाब के कितने सुंदर। तो मेरे जो साथ हैं हमारे भांजे हैं, तो भांजे के भी चाय की सोमेश्वर मार्केट देख के आते हैं, तो इसको दिखा के भी लाते हैं मार्केट। और जो मौसम है, आज मौसम में भी कुछ परिवर्तन आ गया तो है। तो सामने जो यह पौधे हैं, ये है पापड़। तो अब ये आजकल इसकी सब्जी भी खाते हैं, तो कुछ समय बाद इसमें नई नई कलियां आएंगी, तो इसकी बनेगी सब्जी। पापड़ गप का साग कहते हैं ना, वो भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो सामने हमारी भाभी जी अभी जौ के खेत में गई हुई हैं, और वहां पर अब वो बिनोड़ रखेंगी बाद में। तो वो सामने है, तो अकेले अकेले लगे हुए हैं काम धंधे करने में। तो पहाड़ में जो होते हैं काम धंधे ऐसे ही चलते रहते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं और उनमें कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं लोग। तो हमारे वहाँ आजकल जो तो तैयार हो गए हैं, साथ साथ पैदल जा रहे हैं आज। और पैदल जाने में हमारे साथ खाती जी हैं और हमारा भांजा है। तो आज हमने कहा कि पैदल रोड मार्च, फ्लैग मार्च कहते हैं इसे, तो वही किया जा रहा है। तो देखते हैं। और यहाँ पर ये देखो हमारे पीछे आजकल रोड में कुछ डामर का जो है कार्यक्रम भी चल रहा है, डामरीकरण। रोड की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि दिन अच्छे आने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सोमेश्वर मार्केट की ओर, और यहाँ पर चल रहा है रोड बनने का काम। और आज जो हम फिर जा रहे हैं, राणा जी के साथ जा रहे हैं, अंशुल जी के साथ जा रहे हैं। और एक हफ्ता पहले हमने अंशुल जी के साथ किया था, दिल्ली की यात्रा की थी। तो ये देखिए, ये है रोड बनाने वाली मशीन है। तो अंशुल जी ले गए थे हमें, तो अब यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। तो ये हम मशीन चालू हो गई है, अब कुछ देरी के बाद यहाँ काम, रोड का काम जो है चालू हो जाएगा। दोस्तों सोमेश्वर मार्केट में पहुँचे, और मार्केट में देखिए चहल पहल खूब बनी हुई है। और आज सोमवार का दिन भी है, तो आज लोग आए हैं, लोगों का बैंक का भी जो काम धाम होता है वो सब चलता ही है। देखिए पूरे मार्केट में चहल पहल। तो दोस्तों आज लग रहा है कि कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये खुशखबरी क्या है अभी समझ में आ नहीं रही, लेकिन है। है क्या है? क्या है वो? कुछ ना कुछ तो है। तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या। तो हमारा धीरू भी कह रहा है कि आने के बाद पता चलेगा, देखते हैं फिर क्या होता है। आज मेरे को भी कुछ दिन आज अच्छा ही लग रहा है, तो देखते हैं अभी। तो दोस्तों अभी पोस्ट ऑफिस से कुछ न कुछ आया है मेरे लिए। तो आया क्या है उसकी जानकारी अभी नहीं हुई, लेकिन लग रहा है कि कुछ अच्छा ही आया होगा। हो सकता है पैसे आए हों, क्योंकि पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा है। कहीं वो तो नहीं आ गया कोई चेक? हाँ दीक्षा जी बताइए। तो दीक्षा करिए, अभी कोई पता नहीं, लेकिन हम चाय जी नमस्कार। बैठो अंत हुए हैं तो चाह पार दी, तो हम यहाँ पर बैठते हैं। तो दीक्षा जी कुछ ना कुछ आया है। ये देखो कागज है, आज इन्होंने निकाल दिए हैं पोथी होती जो है। कोई बात नहीं, एक पहले भी आया, लेकिन वो दूसरी जगह गया, वो दिन वहाँ से आया नहीं, लेकिन फिर आज और आ गया है, दूसरा आ गया है। तो ये देखिए गूगल एडसेंस दिखाओ, मैं दिखाओ ये। हाँ ये बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे सामने आंटी लाई है, ये आ गया है। तो आज मतलब कुछ खुशी हो रही है, अब ये कुछ जो है मतलब बात हूं। हां आइए आ जाओ भाई, हम वहां ये बात ना बहुत बार बढ़िया कर छोड़ो हमारा मंजू चाचा उसका इधर वो आ गया यार, इधर आइए। गूगल एडसेंस आ गया हमारा, ये देखो। ओ कोई बात नहीं, भी चलो ये तो पहले भी आया था, तो हमारे ही नाम वाले दूसरे बंदे ले लिए। ये गूगल एडसेंस आ गया दादा, आप करोड़ों रुपया हमारे खाते में हर समय अवेलेबल रहेगा। अब आप वो हो गए करोड़पति यूट्यूबर। हाँ जैसे ही आप आए ना दादा घर में यहाँ, तो ये सब कुछ मतलब खुशियां ही खुशियां चाह रही है। क्यों? हाँ हाँ जरूर जरूर। तो अभी
क्रिकेट होगा जोरदार आज बोला है। कल हमारी बॉल खराब हो गई थी क्योंकि हम थोड़ा आंख से कमजोर है ना दादा साहब, तो रेड कलर की रेड हरा तो जी सावन के अंधे को हरा ही हरा दिख रहा, तो इस वजह से रेड बॉल आ गई। बहुत अच्छा, गुड, एकदम आनंददायक। अरे नए मेहमान आए यार, बहुत देर होगी, वीडियो तो बनी नहीं पाई थी पहले, तो आइए विराजिए। और पापा कहाँ है? पापा दुकान में। गुड यार, ये तो और हल्द्वानी के हाल सुनाओ यार। बस गर्मी हो रही है हल्द्वानी में, और क्या हाल है? तो ये हल्द्वानी से आए हुए हमारे खास तो हैं, क्या कहते हैं, ब्योरी कही जाते हैं, और हमारा भतीजा भी, ये हमारा मोंटू गुरु का लड़का। अच्छा, ये देखो आप पहचान गए। इस बार नहीं आया ये, इस बार दद्दा होली में आए तो भतीजा नहीं आया, और पिछली बार भतीजा आया तो दद्दा नहीं आया। कोई बात नहीं, ठीक किया। तो कितनी है छुट्टियाँ? हो गए पेपर, हो गए, गुड, बहुत सुंदर। पिच है थोड़ी सी चेंज की जा रही है, दो चार पिच होते हैं, एक पिच इसे और है, एक इस और दो ही पिच है। ये यहाँ पर ये स्टैंप बैठे जा रहे हैं पूरे सर्वे के। तो कोच साहब आज बताइए, ठीक है? ये कोच साहब है, तो ये हो, ये शुरू है। तो पहला स्टैंप, फिर ये उखड़ेगा भी नहीं। हाँ, ये छोटा बड़ा सब साइज है इनके, ये और नहीं नहीं वो बॉल भी। चलो दादा एक बॉल दीजिए, देखें लाल बॉल आ गया आज, लाल बॉल नहीं, बॉल आएगी। मैं लग रहा है इधर पहुंच के नंबर। तो दोस्तों अभी जो है पिच है, पिच की नाप जो हो रही है, ये देखिए उधर हमारा बासु पिच की जो है। अच्छा, कितना होना चाहिए पिच ने बताओ? 22 क्या? 22 गज, बहुत सुंदर। तो ये किससे नाप रहे हैं? ध्रुव, ध्रुव ने नाप लिया है आधा पिच। यहाँ पर अब गेंद ढूंढी जा रही है, और यहाँ जो ये आए हैं फील्ड बॉय, तो दलदल में अभी ढूंढ रहे हैं। तो कुछ आसान है बॉल मिलने की? तो कोच साहब यहाँ पर बैठे हैं सर, ये ढूंढ पाएंगे? कोशिश जा रही है। और बस आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? कहाँ मिले? क्या मिला? मैडक। तो मैडक यहाँ उछल गया, तो मैडक का बच्चा ही दिख रहा। बाघ ने हल्ला ऐसा मचा दिया, आतंक बहुत खतरनाक। तो आजकल सामने बाघ गरज रहा है, और अभी मैं अपने आंगन में हूँ। सामने ये देखिए गांव में कनिष्ठर आदि बज रहे हैं, और हमारा बासु डर के मारे मैं इधर हूँ। तो देखिए पूरे गांव में हल्ला रे गुल्ला।